हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल पीटी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉकडाउन के बाद यूट्यूबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और यूट्यूबर्स की इंडस्ट्री, मतलब ये यूट्यूब की इंडस्ट्री में क्या क्या होने वाला है, कितना लोगों को कितना नुकसान होगा, कितना कॉम्पिटिशन होगा, क्या कैसे होगा। इसलिए पूरी वीडियो लास्ट ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में कि ये लॉकडाउन के बाद यूट्यूबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना कॉम्पिटिशन होगा, क्या कैसे होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि इस टाइम हमें सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद बहुत लोगों को दिक्कत होगी, कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी को नौकरी से ना निकाला जाए, लेकिन ये फिर भी होगा, कुछ लोगों की नौकरी जाएगी, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी उन्हें, तो वो क्या करेंगे उस टाइम पे, अपना कोई बिजनेस तो कर नहीं सकते। इसलिए ज़्यादातर लोग अभी से ही सोशल नेटवर्क पे वीडियो बनाना अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सब लोगों को पता है कि वीडियो से यूट्यूब वीडियो बनाने से अर्निंग होती है। इसलिए लोग अभी से वीडियो बनानी स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो जब उनकी जॉब जाएगी उसके बाद वो वीडियो बना के अपलोड करनी स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, क्रिएटर्स ज़्यादा होंगे और व्यूवर्स थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि वो व्यूवर्स आपके क्रिएटर में बदल जाएंगे। दूसरी बात, अर्निंग कम हो जाएगी, क्योंकि जब इस टाइम जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो कंपनी महंगी ऐड नहीं लगाएगी, जिससे कि अर्निंग भी कम हो जाएगी। और जो इस टाइम प्रैंक वीडियो बनाते हैं या बड़ी वीडियो बनाते हैं, बाहर जाकर शूटिंग करते हैं, उसके लिए उन पर टाइम नहीं होगा। जैसे अब वो जा नहीं पा रहे बाहर, तो उनकी ब्राउज फीचर में वीडियो नहीं जा पाएगी, उससे ज़्यादा उन्हें दिक्कत होगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है यूट्यूब इंडस्ट्री में कम से कम 6 महीने के लिए। जो आगे के नेक्स्ट 6 मंथ होंगे, इसमें यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप वीडियो रेगुलर अपलोड कीजिए, चाहे कैसी वीडियो आप अपलोड करते हो, टैग को चाहे कैसी वीडियो, इसलिए आप डेली वीडियो अपलोड कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए फिर एक वीडियो बताएंगे, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।